आप बाथरूम के नीचे सेप्टिक टैंक तो बना लिए, लेकिन अब उसमें जो है मैन होल जिससे कि जो क्लीनिंग के लिए किया जाता है वो नहीं दिए, और साथ ही आपका प्लम्बर क्या किया, पाइपलाइन बचाने के चक्कर में बाथरूम से डायरेक्ट सेप्टिक टैंक का छत होते हुए होल करके प्लम्बिंग पाइपलाइन दे दिया, और फिर उसके बाद जो क्या होता है आप उस बाथरूम को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना महकेगा वहां उस बाथरूम में घुस भी नहीं पाइए। आखिर ऐसा क्या? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई इसका समाधान क्या है। अगर आप भी चाहते हैं बाथरूम के नीचे सेप्टिक टैंक बनाना, तब क्या कर सकते हैं, और मेन होल कहां देना है, कैसे देना है, सब कुछ इस वीडियो के जरिए पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। और प्लम्बिंग पाइपलाइन जो है बाथरूम होते हुए सेप्टिक टैंक कैसे ले जाना है वो सब कुछ क्लियर होगा। चलते हैं देखते हैं। और साथ ही जो है उस जगह पे जितने भी कॉलम थे उसका डेप्थ कितना रखना था ये सब कुछ, नहीं तो बहुत लोग क्या करता है सेप्टिक टैंक में ही जो है कॉलम देखना शुरू हो जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये मेरा होम है, ठीक है, घर, और यहां पे मेरा बाथरूम है जो मैं मेंशन कर दिया, और इसके नीचे ही जो है जैसे मान लिया ये मेरा बाथरूम हो गया, ये आपका स्टोर। इस बाथरूम के नीचे ही जो है हम क्या किए हैं, ये सेप्टिक टैंक बनाए हैं। अगर ऐसा विचार कर रहे हैं तो उस समय जो घर का फाउंडेशन का डिटेल रहेगा, मान लें कि ये फाउंडेशन आपका जो है कितना है 4 फीट डेप्थ है, तो सेप्टिक टैंक के पास जो भी कॉलम आ रहा है, जैसे एक कॉलम यहां आ रहा है, एक कॉलम यहां आ रहा है, एक कॉलम यहां इसे हो गया, और भी अब और संगत कॉलम है नहीं, मान लें कि यहां कॉलम है, यहां कॉलम है, यहां कॉलम है, अगर मान लें सेप्टिक टैंक के पास कॉलम, मतलब सेप्टिक टैंक के पास जितना भी कॉलम का फाउंडेशन है प्लस 3 फीट और डेप्थ दे देना, मतलब 4 3 7 फीट टोटल डेप्थ 7 फीट। क्योंकि बहुत लोग क्या करता है कि इसका भी डेप्थ बराबर कर देता है, फिर पता चलता है कि भाई सेप्टिक टैंक के ऊपर में फाउंडेशन दिख रहा है। इस तरह का मिस्टेक गलतियां ना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा इसका फाउंडेशन जो है नीचे कर देना है, जिससे क्या है कि इस ये पूरा एरिया का फिलिंग कर दीजिए फिर से, ठीक है, तो टोटल 7 फीट देना है, और फिर तब जाकर के जो आपको सेप्टिक टैंक के लिए एक अलग सा जो है बनाना पड़ेगा, अलग सा जो है यहाँ पे बेस बना दिए फिर। अब हाँ याद रहना चाहिए, तो क्या क्या है, पहला जो इसमें रखना है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा मोर 3 फीट एक्स्ट्रा फ्रॉम सेप्टिक टैंक लेवल, सेप्टिक टैंक लेवल 3 फीट एक्स्ट्रा नीचे लेके जाना है। दूसरा जो आपका बिल्डिंग का जो वाल है और सेप्टिक टैंक का वाल है, ये दोनों आपका अलग रहना चाहिए, बिल्डिंग वाल सेपरेट बिल्डिंग एंड सेप्टिक टैंक। आज लगता है सारा मार्कर खत्म हो गया, आज तो खरीदना ही पड़ेगा, ये भी खत्म, ब्लू वाला भी खत्म, रेड बस जो अभी चकाचक चल रहा है। तो चलिए यहां यहां तक हो गया, तो अब बात कर लेते हैं। तो इस ये जो इसका जो था बाथरूम का दीवार वो तो हम दे ही दिए, ये इसका स्लैब के ऊपर रहेगा दीवार, यहां बीम एक रहेगा, और लेकिन सेप्टिक टैंक का एक अलग से वाल जाएगा, और इधर जब 5 इंची का दीजिए, इधर 5 इंची का दीजिए, ये 5 इंची का दीजिए, बस जो है इस आउटर साइड जो है 10 इंची का दीजिए, ये 10 इंची सिर्फ, ये हो गया 5 इंची का वाल, ठीक। अब एक्चुअली में बाथरूम का साइज था 11 फीट बाय 4 फीट, बाथरूम कितना है 11 फीट बाय 11 फीट × 4 फीट 6 इंची का था। अब जो सेप्टिक टैंक अब बना रहे हैं तो इसका मेन होल कहां देना है, अब ऐसा नहीं किसी में देना, मेन होल आप बाहर दीजिए, तो उसके लिए आपको 3 फीट एक्स्ट्रा जो है बाहर ले जाना पड़ेगा बिल्डिंग फेस से, जो कि आपका ही जमीन होना चाहिए। तो आप यहां पे जो है 3 फीट एक्स्ट्रा लीजिए,
ध्यान होना चाहिए, हम जैसा बता रहे हैं वैसा आप कीजिएगा। तीन पीस टेस्टा लेंगे तो 9 इंची चला जाएगा आपका ब्रिक में, बचेगा यहां से स्पेस, स्पेस जो है लगभग मैन होल का साइज, मैन होल बचेगा आपका 2 फीट × 2 फीट का साइज का आपको यहां पे मैन होल दे देना, यही मैन होल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। तब इससे इससे क्या बेनिफिट है कि भाई आपका जो है, क्योंकि इसके ऊपर तो फ्लोरिंग हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर में, इसको यूज नहीं करेंगे, जब भी जो है क्लीनिंग होगा चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होगा चेक करने के लिए आप जो है इसी मैन होल से आप चेक करेंगे, ठीक। तो 2 फीट × 2 फीट का आपको मैन होल दे देना है। अब बात कर लेते प्लम्बिंग का, जो भी प्लम्बिंग काम है। अब ऐसा नहीं कि इस बाथरूम में जो पेन बैठा हुआ है, इस पेन का जो है डायरेक्ट प्लम्बिंग इसमें दे दिए, ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसका जो यहां मान ले पेन है, ठीक है, इधर से प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके आना है, इस हो सॉरी प्लम्बिंग पाइप लाना है और इस हो करके इसमें इनपुट करना है, ठीक है, मतलब इनलेट आपका बाहर से लेके जाना है, ना कि जो है आप जो है डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट करेंगे इसका जो बदबू है ना बहुत ज्यादा माकेगा इस होकर के बाथरूम में, बाथरूम में आप रह नहीं पाइएगा, फिर से बता रहा हूं। इसलिए इनलेट जो है इसका इधर देना है और इधर आपको जो गैस पाइप दे दीजिए, गैस पाइप जिसका जो है एक होना, एक गैस पाइप होना चाहिए इधर, इनलेट गया, फिर एक आउटलेट इधर भी आप दे सकते हैं जो कि आपका हो जाएगा ओवरफ्लो, आपको पता चलेगा अगर भर गया सेफ्टी टैंक इसको निकलना शुरू हो जाएगा तो उसमें आउटलेट हो जाए, गैस पाइप भी आपको देना है जो कि ऊपर होकर रहेगा, उससे जो भी इसका दुर्गंध है उधर बाहर निकलते जाएगा। अगर गैस पाइप नहीं देंगे तो सारा दुर्गंध रिटर्न आकर के फिर आपका बाथरूम में ही आएगा, ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा चीज है जो कुछ चीज आप अगर बाथरूम के नीचे सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो उस समय आपको याद रखना है, जिससे क्या है कि भाई कोई भी तरह का दिक्कतें ना है। और हाँ, आप भी बना रहे हैं बनाइए, और सेप्टिक यहाँ जो हम जो सेप्टिक टैंक का जो मुझे जो एरिया मिला वो मिला जो है यहाँ पे अंदर अंदर 10 फीट × और ये पूरा 4×3 = 7 है, इधर 5 इंची दीवार इधर जाएगा, 3 इंची इधर, तो 7 × 4 = 6 है ना, तो ये 9 इंची माइनस कर देंगे तो 6 फीट 9 इंची आपको पड़ा। जिसमें हम अगर इसकी डिजाइन की बात कर लेते हैं सेफ्टी टैंक को लेकर के कैसे बनता है ये, इसका भी एरिया जो हमें मिला जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के, ये हाइट मुझे कितना मिला, हाइट मुझे मिला और हाइट हम लोग दिए यहाँ पे 6 फीट इनफ है, और ये अंदर अंदर 10 फीट, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई सर, हाँ दिख तो रहा है। और फिर इसमें 3 पार्टीशन करेंगे इसको, 10 फीट को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्टीशन कर देंगे। 3 पार्टीशन में क्या होगा कि जो पानी इधर से इनलेट आएगा, ठीक है, इनलेट पानी जो गिरेगा इधर, तो ये आपका इसका एक अंदर जो है यहाँ पे ये रहेगा आपका 2×2 फीट का हो, 2 फीट × 2 फीट का आपका होल रहेगा। अब यहाँ तक हो गया, और इसका जो पूरा मेटल्स भर जाएगा तो इसका जो पानी का ओवरफ्लो जो रहेगा ये इसमें आएगा, ओवरफ्लो वाटर, और फिर इससे जब इसका भर जाएगा तो इधर जो है आउटलेट निकल जाएगा। ये होगा सेफ्टी टैंक बनाने का तरीका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर हो गया, अगर इस वीडियो में कोई भी तरह डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में जो सब क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बचेगा, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।